अगर आप भी फर्स्ट टाइम कंप्यूटर परचेस करने के बारे में सोच रहे हो और कई सारे कंफ्यूजन है कि कौन सा कंप्यूटर ले, किस ब्रांड का ले, कंप्यूटर असेंबल करवाए या प्रीबिल्ड पीसी जो आते हैं वो पीसी खरीदे, किस बजट में आपके लिए एक सबसे बढ़िया कंप्यूटर आएगा जिसमें आप हर तरह के काम को कर सकते हैं, ऑफलाइन परचेस करें या ऑनलाइन परचेस करें, डेस्कटॉप ले या लैपटॉप ले, साथ ही हम जानेंगे कि कौन सा कंप्यूटर आपको नहीं परचेस करना है। नमस्कार, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारे चैनल NCL कंप्यूटर में। बने रहे वीडियो में, लास्ट तक स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नया कंप्यूटर परचेस करते समय आपको 3-4 बातों का मेनली ध्यान रखना है जिससे आप एक बढ़िया कंप्यूटर का सिलेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आप किस बजट रेंज में कंप्यूटर लेना चाहते हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आपका पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए आप कंप्यूटर या लैपटॉप परचेस करना चाहते हैं। जब आपका यह पर्पस क्लियर हो जाए कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, साथ ही आपका बजट क्या है, उस बजट रेंज में कौन कौन सा कंप्यूटर आ सकता है, कंप्यूटर बेस्ट रहेगा या लैपटॉप बेस्ट रहेगा, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपके लिए कंप्यूटर बढ़िया रहेगा या लैपटॉप बढ़िया रहेगा, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोनों में से किसी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है, स्टडी पर्पस के लिए कंप्यूटर लेना चाहते हैं, मल्टीटास्किंग करना, साथ ही बेसिक एंटरटेनमेंट आसानी से कंप्यूटर या लैपटॉप में कर सके, तो ये दोनों रिक्वायरमेंट आपका डेस्कटॉप और कंप्यूटर दोनों में फुलफिल हो जाएगा। क्योंकि लैपटॉप जो होता है वो पोर्टेबल होता है, कहीं पे भी लाने ले जाने के लिए सुविधाजनक होता है। लैपटॉप का स्टार्टिंग प्राइस जो होता है वो होता है 25,000-30,000 से ही बढ़िया लैपटॉप स्टार्ट होता है। और डेस्कटॉप में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक असेंबल्ड कंप्यूटर, एक ब्रांडेड कंप्यूटर का। असेंबल्ड कंप्यूटर में आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पीसी बिल्ड करवा सकते हैं, जितने का आपको रैम का रिक्वायरमेंट है, जितने का आप प्रोसेसर लेना चाहते हैं, जितने का SSD स्टोरेज लेना चाहते हैं या जिस साइज का स्क्रीन लेना चाहते हैं, वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पीसी बिल्ड करवा सकते हैं। दूसरा जो होता है वो प्री बिल्ड होता है, जिसमें कि डेल का, HP का, लेनोवो, आसुस, ये ब्रांडेड पीसी एक स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन के साथ पीसी बनाती है, जिसका प्राइस अराउंड 30,000-35,000-40,000 से स्टार्ट होता है, जो कि एक ब्रांडेड कंपनी का ही पूरा बिल्ड किया हुआ पीसी रहता है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो दोनों पीसी आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। बस फर्क इतना है कि असेंबल्ड पीसी आप अपने बजट के अकॉर्डिंग बिल्ड करा सकते हैं, 10,000-15,000-20,000-25,000 में भी असेंबल्ड पीसी बिल्ड हो जाते हैं। उसी के अपोजिट अगर आप ब्रांडेड पीसी लेना चाहते हैं तो 35,000-40,000 से ही स्टार्ट होता है, तो दोनों में से कोई सा भी सिलेक्शन आप कर सकते हैं। असेंबल्ड पीसी और ब्रांडेड पीसी क्या होता है, दोनों में से कौन सा पीसी लेना बढ़िया होगा, दोनों में क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इन दोनों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें। अब हम बात कर लेते हैं, हम किसी भी तरह का ऑफिशियल काम करने के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप परचेस करना चाहते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड काम है, मेल वगैरह करना या मल्टीटास्किंग करना है, तो उसके लिए कौन सा कंप्यूटर या लैपटॉप लेना सही होगा। ऑफिशियल काम करने के लिए आप डेस्कटॉप भी परचेस कर सकते हैं और लैपटॉप भी परचेस कर सकते हैं, दोनों में आपका यह काम आसानी से हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आप एक जगह बैठ के काम करना चाहते हैं या पोर्टेबिलिटी आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। आप अगर लैपटॉप परचेस करते हैं तो लैपटॉप आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, वो पोर्टेबल होता है। ये काम आप डेस्कटॉप में भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप का लाइफ लैपटॉप से ज्यादा होता है। बस डेस्कटॉप आपका एक ही जगह स्थिर रहता है और लैपटॉप पोर्टेबल होता है, जिसे आप कहीं पे भी ला सकते हैं या ले जा सकते हैं, उसमें बैटरी इनबिल्ट रहता है, बैटरी बैकअप भी आपको मिलता है। अगर आप ऑफिशियल काम करने के लिए भी लैपटॉप परचेस करना चाहते हैं तो कम से कम आपको इंटेल कोर i3 का प्रोसेसर, 8GB की रैम के साथ 512 SSD वाला लैपटॉप लेना होगा, जो कि 30,000 प्लस के वेरिएंट में आपको देखने को मिलेंगे। सेम कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप डेस्कटॉप परचेस करते हैं, डेल का, HP का, लेनोवो का, जो ब्रांडेड डेस्कटॉप आते हैं, प्रीबिल्ड डेस्कटॉप आते हैं, वो अराउंड 40,000-45,000 से स्टार्ट होते हैं। और अगर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन में पीसी बिल्ड कराते हैं तो अराउंड 10,000-15,000-20,000 से भी स्टार्ट हो जाते हैं, वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बजट के हिसाब से बिल्ड करवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, हमें थोड़ा हाई एंड काम करना है, थोड़ा एडवांस लेवल का काम करना है, वीडियो एडिटिंग करना है, गेमिंग करना है या कोडिंग करना है, तो उसके लिए कौन सा कंप्यूटर बढ़िया होगा, किस बजट रेंज में ये कंप्यूटर बिल्ड हो जाएगा। अगर आप एक हाई एंड काम करने के लिए, वीडियो एडिटिंग करने के लिए, गेमिंग के लिए या कोडिंग के लिए पीसी परचेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप असेंबल्ड करवाए पीसी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्ड करवाए, जिसमें एक पावरफुल प्रोसेसर, अगर आप इंटेल में प्रोसेसर लेना चाहते हैं तो इंटेल कोर i5 का प्रोसेसर रखें, मिनिमम 16GB का रैम रखें, 4GB की ग्राफिक्स कार्ड रखें, साथ ही एक बढ़िया सा ब्रांडेड मदरबोर्ड रखें, MSI, Gigabyte या Asus का मदरबोर्ड रखें। इस तरह के पीसी में आप हाई एंड काम इजीली कर सकते हैं, चाहे आप वीडियो एडिटिंग का काम करना चाहते हैं, गेमिंग का काम करना चाहते हैं या कोडिंग से रिलेटेड काम है, तो इस तरह के हाई एंड पीसी में आपका ये सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। अगर आप लैपटॉप में लेना चाहते हैं तो H सीरीज के लैपटॉप ले सकते हैं, जिसमें आपको 4GB का ग्राफिक्स, 16GB की रैम में i5 या Ryzen 5 का प्रोसेसर लेना होगा, जिसमें इस तरह का हाई एंड काम आप इजीली कर सकते हैं। ऐसे हाई एंड काम करने के लिए मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो है असेंबल्ड पीसी। असेंबल्ड पीसी एज कंपेयर लैपटॉप ज्यादा पावरफुल होने वाला है। ब्रांडेड कंप्यूटर जो प्रीबिल्ड आते हैं, HP का, डेल का, Asus का, लेनोवो का, उसमें हाई एंड काम नहीं हो सकता है, तो कभी भी आप ब्रांडेड पीसी हाई एंड काम करने के लिए ना परचेस करें। अब हम जान लेते हैं कि हमारे लिए डेस्कटॉप बेटर होने वाला है या लैपटॉप बेटर होने वाला है। अगर आपका पोर्टेबल वर्क है,
अगर आप एक जगह रह के काम नहीं करते, एक जगह रह के कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं कर पाते, ज्यादा ट्रैवल करते या बाहर में ज्यादा इस्तेमाल होता है, कहीं बाहर जाना पड़ता है या ट्रैवलिंग आप ज्यादा करते हैं, तो आपके लिए लैपटॉप बेटर होने वाला है। लेकिन अगर आप इस तरह का काम नहीं करते, ट्रैवल नहीं करते, पोर्टेबिलिटी आपको नहीं चाहिए, तो आप आंख बंद करके डेस्कटॉप ले सकते हैं, क्योंकि डेस्कटॉप एज कम्पेयर लैपटॉप ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देता है लैपटॉप के मुकाबले, इजी मेंटेनेंस होता है, रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत कम आता है, साथ ही लैपटॉप के मुकाबले डेस्कटॉप का लाइफ बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपको पोर्टेबिलिटी नहीं चाहिए तो आप आंख बंद करके डेस्कटॉप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला कंफ्यूजन है वो ये है कि हम कंप्यूटर या लैपटॉप ऑनलाइन परचेस करें या ऑफलाइन परचेस करें। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप पीसी बिल्ड करवाते हैं या असेंबल करवाते हैं, तो आप ऑफलाइन पीसी बिल्ड करवाएं या ऑफलाइन असेंबल करवाएं, तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा, ज्यादा बढ़िया होगा एज कंपेयर ऑनलाइन परचेस। क्योंकि जब भी आप पीसी असेंबल करवाते हैं तो उसमें कई सारे कंपोनेंट्स लगते हैं, मदरबोर्ड लगता है, प्रोसेसर लगता है, फैन लगता है, रैम लगता है, साथ ही उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और ड्राइवर का भी इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। अगर आप सभी पार्ट्स ऑनलाइन परचेस करके खुद से असेंबल करवा रहे हैं या खुद से बिल्ड कर रहे हैं, तो कई बार कंपैटिबिलिटी इशू आता है, कोई सॉफ्टवेयर काम नहीं करता, कोई ड्राइवर एक दूसरे के कंफर्टेबल नहीं होता, कई बार कुछ प्रोडक्ट भी एक दूसरे के कंफर्टेबल नहीं होते, जिससे हमें कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो अगर आप पीसी बिल्ड करवा रहे हैं तो किसी भी ऑफलाइन रिटेल स्टोर से ही पीसी बिल्ड करवाएं, जिससे आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, कंफर्टेबिलिटी इशू का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर या ड्राइवर का सपोर्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जहां तक बात प्राइस की आती है, तो आप एक दो शॉप में, तीन चार शॉप में कंपेयर कर ले, उसके बाद ही आप ऑफलाइन में पीसी बिल्ड करवाएं, तो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन डील होगा। अगर आप ब्रांडेड डेस्कटॉप परचेस करना चाहते हैं, तो अगर आपका प्राइस या डील बढ़िया मिल रहा है, रिव्यू बढ़िया मिल रहा है प्रोडक्ट का, तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। लेकिन जिस भी ब्रांड का आप कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं, उस ब्रांड का सर्विस सेंटर आपके आसपास में होना चाहिए, ताकि आपको बाद में सर्विस रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। अगर आप लैपटॉप परचेस करना चाह रहे हैं, तो लैपटॉप आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हैं। अगर आपको बेटर सर्विस चाहिए तो आप ऑफलाइन परचेस करें, और अगर आप श्योर है कि जिस भी ब्रांड का प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, जिस भी ब्रांड का लैपटॉप परचेस कर रहे हैं, उस ब्रांड के लैपटॉप में सर्विस से रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, उसका रिव्यू बहुत बढ़िया है, तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। अगर आपको सर्विस बेटर चाहिए, बहुत अच्छा सर्विस चाहिए, किसी भी तरह का सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तो आप ऑफलाइन स्टोर से ही ले, क्योंकि लैपटॉप ऐसा चीज होता है कि उसमें छोटा मोटा प्रॉब्लम हर समय आपको देखने को मिलेंगे। कभी सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, कभी सेटिंग गड़बड़ा गया, कभी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हो रहा, कभी कोई ड्राइवर अपडेट नहीं हो रहा, तो इस तरह के छोटे मोटे प्रॉब्लम आपके ऑफलाइन स्टोर वाले सॉल्व कर देंगे। अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हैं, तो इस तरह के सर्विस आपको ऑनलाइन में देखने को नहीं मिलेंगे। कंप्यूटर या लैपटॉप परचेस करते समय ब्रांड्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन से ब्रांड का हम कंप्यूटर या लैपटॉप ले जो कि एक लंबे समय तक चले, जिसका सर्विस सपोर्ट बहुत बढ़िया हो। तो सबसे पहले हम लैपटॉप में जान लेते हैं कि लैपटॉप में कौन सा ब्रांड बढ़िया रहेगा, जिसका सर्विस सपोर्ट बढ़िया, जो फ्यूचर प्रूफ हो और किसी भी तरह का हमें प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अगर आप लैपटॉप परचेस करना चाह रहे हैं, तो डेल का, एचपी का मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। डेल और एचपी के लैपटॉप में बहुत कम कंप्लेन है। डेल और एचपी का लैपटॉप परचेस करते हैं तो इसका सर्विस एंड सपोर्ट आपको बढ़िया मिलने वाला है। वारंटी खत्म होने के बाद भी इस लैपटॉप के पार्ट आपको 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक अवेलेबल हर मार्केट या हर रिटेल स्टोर में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप लेनेवो, आसूस, एमएसआई, एसर, ये सब ब्रांड्स भी ले सकते हैं। लेकिन ये सब ब्रांड में मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि जब तक वारंटी रहता है, तब तक आपको बहुत ही बढ़िया सर्विस मिलता है, सपोर्ट मिलता है। लेकिन वारंटी खत्म होने के बाद कई बार ऐसा देखने को आया है कि इस ब्रांड्स के प्रोडक्ट के पार्ट्स आपको जल्दी नहीं मिलते, किसी भी तरह का पार्ट्स खराब हो गया है, तो आपको मार्केट में, लोकल स्टोर में या किसी भी जगह इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते। अब हम आ जाते हैं ब्रांडेड डेस्कटॉप में। ब्रांडेड डेस्कटॉप में डेल, एचपी, लेनेवो, एसर, आसूस, बहुत सारे ब्रांड्स के आपको ब्रांडेड डेस्कटॉप देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें भी सेम वेरिएंट है, डेल और एचपी का बहुत ही बढ़िया होता है। डेल और एचपी के पार्ट्स आपको इजीली हर जगह अवेलेबल मिल जाएंगे। उसी के अपोजिट आप आसूस का, लेनेवो का या एसर का डेस्कटॉप परचेस करते हैं, तो पार्ट्स पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है वारंटी खत्म होने के बाद। आपको सर्विस सेंटर में ही जाना होगा, वही मिलेगा, या कई बार उसके पार्ट्स भी आना बंद हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा ब्रांडेड कंप्यूटर में। अब हम आ जाते हैं असेंबल पीसी में। जब आप पीसी बिल्ड कराते हैं, तो आपके पास बहुत सारा फ्रीडम होता है। आप किसी भी तरह का ब्रांड, किसी भी तरह का प्रोडक्ट, कोई भी मॉडल का प्रोडक्ट, कोई भी तरह का ब्रांड आप अपने रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसमें भी आपको बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। प्रोसेसर में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एक इंटेल का और एएमडी का। दोनों प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोनों में से किसी का भी प्रोसेसर का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन होता है असेंबल पीसी में, होता है मदरबोर्ड। अगर आप ब्रांडेड में मदरबोर्ड लेना चाहते हैं, तो गीगाबाइट, एमएसआई, आसूस,
ASUS, ASRock, इस तरह के ब्रांड के साथ आप जा सकते हैं। ये सभी ब्रांड के मदरबोर्ड काफ़ी बढ़िया होते हैं, इनका आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया होता है। हालांकि ये सब मदरबोर्ड जल्दी खराब होते ही नहीं है, लेकिन कई बार अगर प्रॉब्लम करते हैं तो इनका सपोर्ट सर्विस बहुत बढ़िया है। ये सभी मदरबोर्ड का लाइफ काफ़ी लंबा होता है। इसके बाद अगर आप SSD परचेज करना चाहते हैं तो WD, Seagate, Samsung, Gigabyte, Acer, Kingston, Crucial, ये सभी जो ब्रांड्स हैं वो SSD और स्टोरेज बहुत ही बढ़िया बनाती है। काफ़ी पुरानी कंपनी है, अच्छा सर्विस और काफ़ी लंबे समय तक ये प्रोडक्ट चलते हैं। तो अगर आप SSD परचेज करना चाहते हैं तो इन सभी ब्रांड्स में से कोई सा भी SSD स्टोरेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद रैम का सिलेक्शन जो होता है, रैम भी बहुत सारी कंपनियाँ बनाती हैं, सैमसंग, क्रूशियल, कोर्सियर, स्टारलाइट, किंगस्टन, इस तरह के ब्रांड्स आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। ये सभी ब्रांडेड कंपनियां हैं जिसका रैम का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आप एक बढ़िया रैम का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो इन सभी ब्रांड्स में से कोई सा भी रैम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब असेंबल PC में अगला जो आता है वो होता है कैबिनेट। तो कैबिनेट आप अपने लुक के हिसाब से ले सकते हैं। कैबिनेट में ऐसा कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है कि आपको इसी ब्रांड का लेना है। हाँ, अगर आप ब्रांड में जाना चाहते हैं तो गीगाबाइट, MSI, एंटी स्पोर्ट्स, जेब्रॉनिक्स, इस सभी ब्रांड्स में ले सकते हैं। ये सभी ब्रांड्स का कैबिनेट बढ़िया होता है। PC रेडी होने के बाद मॉनिटर में आता है। मॉनिटर भी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। ब्रांड वाइज देखें तो डेल, HP, लेनेवो, आसूस, एसर, गीगाबाइट, सैमसंग, ये सभी ब्रांडेड मॉनिटर काफ़ी अच्छा मॉनिटर बनाती है। इन सभी में से कोई सा भी मॉनिटर आप चूज कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कौन सा कंप्यूटर हमें बिल्कुल भी परचेज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको लैपटॉप में बता देता हूँ। लैपटॉप में अगर आपका बजट कम है, 10,000, 15,000, 20,000 के रेंज तक का बजट है, तो कभी भी आप लैपटॉप परचेस ना करें, क्योंकि 20,000, 15,000, 10,000 वाले लैपटॉप जो आते हैं वो लैपटॉप बिल्कुल भी नहीं होते हैं। वो लैपटॉप समझ लीजिए टैबलेट का ही एक अपर वर्जन होता है, जिसमें एक बड़ा सा स्क्रीन साइज लगा के आपको लैपटॉप बोल के बेचा जाता है। उसमें आपको ना ही कोई स्टोरेज देखने को मिलेगा, ना ही कोई रैम देखने को मिलेगा, ना ही किसी भी तरह का बढ़िया ढंग का मदरबोर्ड रहता है। तो अगर आपका बजट 10,000, 15,000, 20,000 तक का है तो आपको उस रेंज में ढंग का लैपटॉप बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। साथ ही आपको क्रोम OS के साथ एक लैपटॉप देखने को मिलेंगे जिसमें आप किसी भी तरह का काम नहीं कर सकते। तो क्रोमबुक वाले लैपटॉप आपको नहीं परचेस करने। 10,000, 15,000, 20,000 के रेंज में जो भी नए लैपटॉप आते हैं वो भी परचेस नहीं करना। अगर आपको लैपटॉप लेना है तो 30,000 के ऊपर वाले जितने भी लैपटॉप आते हैं, जिसमें आपको मिनिमम इंटेल कोर i3 का प्रोसेसर, 8GB का रैम, 512GB SSD के साथ ही लैपटॉप परचेस करना है, जिसमें आप लगभग सारा काम कर सके। उससे नीचे वाले लैपटॉप को आपको नहीं परचेस करना। अगर हम ब्रांडेड डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप में भी सेम चीज है। 20,000, 25,000 तक में आपको बढ़िया सा ब्रांडेड डेस्कटॉप नहीं मिलने वाला। ब्रांडेड डेस्कटॉप का भी कॉन्फ़िगरेशन कम से कम आपको i3 रखना है, 8GB का रैम रखना है, 512GB की SSD रखनी है, जिसका प्राइस अराउंड 40,000 प्लस होता है। तो अगर आपका ब्रांडेड डेस्कटॉप लेने का प्लान है और 40,000 तक का बजट है तभी आप परचेस करें। उस प्राइस रेंज के नीचे वाले जितने भी ब्रांडेड डेस्कटॉप आते हैं उसमें आप किसी भी तरह का काम नहीं कर सकते। केवल आपको एक स्क्रीन दिखेगा, उसमें एक CPU रखा रहेगा, जिसमें आप किसी भी तरह का हैवी काम कभी भी नहीं कर पाएंगे। वो फ्यूचर अपग्रेडेबल भी नहीं रहेगा, वो आपका वेस्टेज ऑफ मनी रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं असेंबल्ड PC। असेंबल्ड PC आपको 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 से स्टार्टिंग देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसमें भी बहुत सारा फ्रॉड होता है। आपको 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 के रेंज में तो कंप्यूटर मिल जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है इसमें किसी भी तरह का हैवी सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा, या कुछ आप मल्टीटास्किंग करना चाह रहे हैं, या किसी भी तरह का गेमिंग करना चाहते हैं, कोई भी हैवी काम करना चाह रहे हैं तो इस कंप्यूटर में सपोर्ट नहीं करता। साथ ही आपको ये भी प्रॉब्लम आता है कि वो कंप्यूटर बार बार खराब होते रहता है। कभी उसका रैम खराब हो जाता है, कभी मदरबोर्ड खराब हो जाता है, कभी विंडो क्रैश कर जाता है। तो ये प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलता है। कम बजट के चक्कर में कोई भी ऐसा कंप्यूटर या लैपटॉप परचेस ना कर ले जिसमें आपको बाद में पछताना पड़े कि 10,000, 15,000 मैंने क्या ही परचेस कर लिया है। अभी अगर आप PC असेंबल भी करवाते हैं तो कम से कम आपको i3 का प्रोसेसर रखना है, 8GB का रैम रखना है, और जो भी PC आप बिल्ड करा रहे हैं उसमें SSD का स्टोरेज रखना है, तो ही वो PC आपके काम के लायक होगा। उसमें आप इंटरनेट से रिलेटेड काम कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, स्टडी के लिए कंप्यूटर लेना चाहते हैं तो आप आसानी से ये सभी काम कर सकेंगे। उससे नीचे जो आते हैं डुअल कोर, कोर टू डुअल, जो बेसिक प्रोसेसर वाले कंप्यूटर आते थे, वो आप मार्केट में आना भी बंद हो गए। लेकिन अगर आपको कहीं मिलता भी है कम बजट के चक्कर में, 3,000, 4,000, 5,000 के रेंज में मिल रहा है, तो भी आप उस कंप्यूटर को बिल्कुल भी ना परचेस करें। वो बस महज एक डब्बा है, आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है। तो आप इस तरह के कंप्यूटर खरीदने से बचें। अगर कोई आपको बताता है या सिखाता है या देने की कोशिश करता है तो इस तरह के कंप्यूटर को आपको नहीं परचेस करना है। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके मन में अभी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।